गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसबीएल मेमोरियल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। टुडे इज आवर वीडियो फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट एसएससी पार्ट हिस्ट्री चैप्टर सेकंड फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। पेज नंबर 20 पे आज हम स्टार्ट करेंगे सिंध। ब्रिटिश एंड बंगाल प्रेसिडेंसी फोर्सेज अंडर जनरल चार्ल्स जेम्स नेपियर अराइव्ड इन सिंध इन द मिड 19th सेंचुरी। जनरल चार्ल्स जेम्स नेपियर के अंडर में ब्रिटिश और बंगाल के प्रेसिडेंसी जो फोर्स थी वो 19th सेंचुरी के सेंटर के मिड के अंदर यानी कि मध्य में कहाँ पहुँचे थे, वो सिंध पहुँचे थे, ठीक है। एंड कंक्लूड सिंध इन फेबररी 1843 और फरवरी 1843 में वो सिंध पर उन्होंने क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। द बलूच कॉलिशंस लीड बाय तालपुर अंडर मीर नासिर खान तालपुर वॉज डिफिटेड एट द बैटल ऑफ मिनाई ड्यूरिंग विच 5,000 तालपुर बलोच वर किल्ड। मीर नासिर खान तालपुर के लीडर में कहाँ पहुँचा था, बलूच गठबंधन किया था उन्होंने और मियानी की लड़ाई में वो क्या हो गया था, हार गया था, जिसके दौरान 5,000 तालपुर बलूच पहुँचे थे और मारे गए थे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स हॉस शिडी कमेंडेड अनदर आर्मी एट द बैटल ऑफ डुगो वेयर 5,000 बलूच वर किल्ड। द फर्स्ट अगह खान वॉज एस्केपिंग परसिक्यूशंस फ्रॉम पर्सिया एंड लुकिंग फॉर अ फुटहोल्ड इन द ब्रिटिश राय हेल्प द ब्रिटिश इन देयर कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। एज अ रिजल्ट ही वॉज ग्रांटेड लाइफ टाइम पेंशंस। कुछ ही समय के बाद में होशु सिद्धि और ने डब्बू की लड़ाई में क्या किया था, एक सेना की कमान संभाली थी, जहाँ पर क्या हुआ था, 5,000 बलूच मारे गए थे। पहला आगा खान जो कि फारस से बचकर आया था, बच रहा था और ब्रिटिश राज में पैर जमाने की तलाश कर रहा था, अंग्रेजों ने क्या किया था, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने में मदद की थी। नतीजा क्या रहा कि उन्होंने आजीवन पेंशन दे दी थी। अब है अ ब्रिटिश जनरल बाय थॉमस पोस्टन्स मेंशंस द कैप्टिव सिंधी अमीर्स द अमीर्स एज बीइंग द प्रिजनर्स ऑफ हर मेजेस्टी देयर आर मेंटेन्ड इन स्ट्रिक्ट सेक्लेजेस दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रोकन हार्टेड एंड मिजरेबल मैन मेंटेनिंग मच ऑफ द डिग्निटी ऑफ फॉलन ग्रेटनेस एंड विदाउट एनी क्वेरल्स और एंग्री कंप्लेनिंग एट दिस अनलिवेबल सोर्सेज ऑफ सोरो refusing to be comforted within weeks Charles Napier and his forces occupied Sindh. Thomas Constance की एक ब्रिटिश पत्रिका थी जिसमें बंदी सिंधी अमीरों का उल्लेख किया गया है। अमीर महामहिम को कैदी होने के नाते गिरी हुई महानता का क्या मिला और उसको बिना किसी परेशानी के या बिना किसी गुस्से के या क्रोधित हुए इस दुख को क्या करना पड़ा, असहनीय स्थिति शिकायत रही। उसको फिर क्या की गई थी, सांत्वना दी गई थी, लेकिन उसने क्या कर दिया था, इनकार कर दिया गया था। और हफ्ते के भीतर ही चार्ल्स नेपियर ने क्या की थी, उसकी सेना के साथ में सिंध पर कब्जा कर लिया था। आफ्टर 1853 द ब्रिटिश डिवाइडेड सिंध इन टू डिस्ट्रिक्ट एंड लेटर मेड इट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियाज बॉम्बे प्रेजिडेंसीज। 1853 के बाद में अंग्रेजों ने क्या कहता था, सिंध के जो जिले थे, जो डिस्ट्रिक्ट थे, उनको डिवाइड कर दिया गया था, उनको विभाजित कर दिया गया था। और बाद में ब्रिटिश ने क्या कहता, भारत की जो बॉम्बे प्रेजिडेंसी थी वो उसका हिस्सा बन गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ हैव अ नाइस डे, थैंक यू।